Good morning to all of you. I am Shraddha Singhdeo from the Learning IQ, and today we are going to read the first chapter of class 10 book Footprints Without Feet. तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक. तो पिछले क्लास में हमने किया था अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी का मीनिंग भी हमने आपको समझाया है. जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो पार्ट वन है, पार्ट वन देख लीजिए. अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी पार्ट वन. इसमें क्या है, ये जो स्टोरी है विच वॉज रिटन बाय जेम्स हैरियट, इट इज़ अबाउट अ डॉग, अ स्मॉल क्यूट डॉग, तो जिसका नाम है ट्रिकी, जो कि बहुत छोटा सा डॉग है. एक उसका जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, सी इज़ अ वेरी रिच वुमेन, और वो अपने कुत्ता से इतना प्यार करते हैं, अपने डॉगी से इतना प्यार करते हैं, इतना उसे खिलाते पिलाते हैं कि ये ओवर ईटिंग के वजह से ट्रिकी क्या हो जाता है, ट्रिकी का जो बॉडी है वो फैल जाता है, लिस्टलेस हो जाता है. तो चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? जहाँ पे जो डॉक्टर हैं, नैरेटर हैं मिस्टर हैरियट, वो रास्ते में देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे अपने डॉगी के साथ जा रहे हैं वॉकिंग, वर्क पे जा रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग वर्क हो या फिर इवनिंग वर्क हो. तो वहाँ पे वो गाड़ी रोक देते हैं ट्रिकी का सिचुएशन देख के. ट्रिकी का जो बॉडी फिगर बन जाता है, बॉडी फिगर बहुत ही खतरनाक बन गया रहता है, फैल गया रहता है, और उसी को देख के डॉक्टर रुक जाते हैं वहाँ पे और पूछने लगते हैं मिसेस पम्फ्रे से. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे एक्सरसाइज कराते हैं? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत चलता फिरता है, वर्क करता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मेरे साथ वो वर्क कर रहा है. और जो गार्डनर है जो उसे ले कर जाता था, एक्सरसाइज कराता था, उसका बैक पेन है, लम्बेगो. लम्बेगो एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बैक पेन करता है, तो उसका बैक पेन है, इसके वजह से अभी तो एक्सरसाइज नहीं हो पाता है इसका. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut this food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो ये सब सुन के डॉक्टर को बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ जाता है और डॉक्टर बोलने लगते हैं I tried to sound severe. Severe मतलब मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ. सीरियस साउंड में वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही सीरियस हूँ. होता है ना, एक वॉइस से पता चलता है कि वो मजाक कर रहा है या फिर सीरियस बात कर रहा है या फिर नॉर्मल बात कर रहा है. तो जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, उनका साउंड से पता चल रहा था कि उनका जो साउंड पूरा सीरियस वाला था, सीवियर था. सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस. नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं, वो बोल रहे थे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसका मीन है, आई रियली मीन, मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब है, कारण है इसका बोलने का. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. और अगर आप उसका खाना, उसका जो फूड है उसको कट डाउन नहीं करते हैं, मतलब उसमें कमी नहीं करते हैं, कटौती नहीं करते हैं, तो वो बहुत जल्दी इल होने वाला है, बीमार होने वाला है. और अगर आप उसे एक्सरसाइज नहीं कराते हैं तो You must harden your heart and keep him on a very strict diet. और strictly वो बोलते हैं कि आपको अपना दिल को काबू में रखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, strict बनना पड़ेगा थोड़ा सा. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Wrung her hands मतलब हाथ को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, यहाँ पर फोटो में हम देख सकते हैं. Wrung her hands. Oh, I will. Mr. Harriet, I'm sure. You are right, but it is so difficult, so very difficult.
मिसेस पम्फ्रे बोल रहे हैं, हाथ घुमा घुमा के बोल रहे हैं, यस ओ आई विल, हाँ हाँ मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ मैं करूँगी, आप सही बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन काम है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल का काम है. सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. तो जो मिसेस पम्फ्रे है वो लग रहा है थोड़ा सा सीरियस है और सर को झुका के चलते जा रहे हैं, उनको देख के लग रहा है कि हाँ डिटरमाइंड है और अभी जाके ये जो बोला गया है डाइट बोला गया है, स्ट्रिक्टली डाइट बनाया गया है उसको फॉलो करेंगे. रिजिम मतलब एक ऐसा प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है एक्सरसाइज का, कि उसे क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस हालत में करना चाहिए, वो सब का एक कोर्स है, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स जिसे रिजिम कहा जाता है. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. For the cold weather and a raincoat for the wet days. तो वो बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं देख रहा था उन दोनों का, वो दोनों जो एक आगे से चले जा रहे थे उनका चलने का स्टाइल मैं देख रहा था वहाँ खड़ा होके. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. तो वो अपना लिटिल ट्वीट कोट में एक कोट पहना हुआ था, फोटो देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप का एक कोट पहना हुआ था और वो आगे चलता जा रहा था. कैसे चल रहा था? जब एक इंसान का फिगर जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा अगर फैल जाता है तो कैसे चलता है वो, क्या मैनर में चल सकता है, जिस तरीके से चलना सही है उस तरीके से क्या वो चल सकता है? नेवर. उनका जो चलने का स्टाइल है मैनर से हट जाता है, जैसे चलना चाहिए वैसे वो नहीं चल पाते हैं. तो ये ट्रिकी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, ये भी मैनरलेस तरीके से चल रहा था जिसको डॉक्टर खड़े होके देख रहे थे. और वो एक कोट पहना हुआ था, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स. तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, नैरेटर हैं, वो बोल रहे हैं कि उसके पास ऐसे ही बहुत सारे कोट्स रखा हुआ है, कुछ कोल्ड वेदर के लिए, कुछ रेनकोट भी रखा हुआ है वेट डेज के लिए. जैसे कि हम जानते हैं मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो अपने डॉगी को बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइनिंग वाला कोट भी पहनाते थे, और डॉक्टर उसी के बारे में बोल रहे थे कि कुत्ता के पास, डॉगी के पास, मतलब आई मीन ट्रिकी के पास ऐसे ही बहुत सारे कोट्स हैं उसके बॉक्स में, अलग अलग कोट्स, कभी बारिश के महीना के लिए अलग रेनकोट भी है और विंटर सीजन के लिए भी कोट है. तो ये सब इस टाइप का रेनकोट भी उसके पास था वेट डेज में पहनने के लिए, जबकि अमीर है तो अपने कुत्ता को तो इतना दे ही सकती है. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. तो उसे देख के नैरेटर को पता चल चुका था कि ये स्ट्रगल कर रहा है, इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और उन्हें पता था कि बहुत जल्दी उनके पास मिसेस पम्फ्रे का कॉल भी आने वाला है कि ट्रिकी बीमार हो गया है. डॉक्टर हैं, नैरेटर डॉक्टर हैं, तो उन्हें पता ही होगा देख के ही कि कब बीमार होने वाला है, क्योंकि उसका जो हालत था, उसका जो कंडीशन था, वो देख के पता चल ही रहा था कि कुछ ही दिन में ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है और मिसेस पम्फ्रे का कॉल आएगा. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक्सपेक्ट कॉल था उनका, वो वेट कर रहे थे उस कॉल के लिए मिसेस पम्फ्रे का कि ट्रिकी बीमार हो गया है, वो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं लगा, कुछ ही दिन में वो कॉल भी आ गया. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट मतलब बहुत डरी हुई थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज. द एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग.
वो क्या कर रहा था, जो कि इतना ग्रीडी था, इतना लालची डॉग क्या कर रहा था, अपना फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज़ कर रहा था, खाने के लिए मना कर रहा था, जबकि उसे वो सब डिश इतना ज़्यादा पसंद है। तो और कुछ भी नहीं खा रहा था, ना ही वो अपना फेवरेट डिशेस को छू रहा था। और कुछ ही देर बाद मतलब इंटरवल के, मतलब जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा ही देर टाइम के बाद उसे वॉमिटिंग भी हो रहा था, उल्टियाँ भी हो रही थी उसे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। तो वो क्या कर रहा था, पूरा दिन स्पेंट कर रहा था, पूरा टाइम बेड में ही बिता रहा था सो के, और उसे शायद बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वर्क, चलने के लिए, वर्क के लिए जाने के लिए एकदम मना कर दे रहा था। Did not want to do anything, और कुछ भी नहीं कर रहा था, ना वो चल रहा था, ना वो बैठ रहा था, उठ रहा था, बस सोया हुआ था, लेटा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था वो। I had made my plans in advance, जबकि उन्हें पता था मिस्टर हैरियट को कि ये बीमार होने वाला है, तो वो पहले से ही प्लान कर चुके थे, प्री प्लान थे वो, एडवांस में प्लान कर चुके थे कि कैसे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे वो करेंगे। The only way was to get Tricky out of the house for a period. और ये तभी संभव होता जब उस घर से ट्रिकी को दूसरा जगह में ले जाया जाएगा, क्योंकि उस घर में कोई उसका ना मीठा पे कटौती करेगा, ना ही एक्सरसाइज कराने वाला है, तो उसे उस घर से कुछ टाइम के लिए फॉर अ पीरियड उसे दूसरा जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो वो suggest किए कि उसे hospitalized करना पड़ेगा about a fortnight. Fortnight के लिए उसे observation में रखा जाएगा। The poor lady almost soon. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो उनका जो लेडी थे, मिसेस पम्फ्रे थे, उनका मानना था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और उनका मानना था अगर ट्रिकी उसे उन्हें नहीं देखेगा तो कुछ ही दिन में उसका डेथ हो जाएगा, उनका मानना था, क्योंकि वो बचपन से रखते आए हैं लाइक अ चाइल्ड, तो उन्हें लगता है कि उनके बगैर ट्रिकी रह नहीं सकता है, जीवित नहीं रहेगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो वो उसे ले आना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था ट्रिकी, और इसमें वो लेट नहीं करना चाहते थे, उसे बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। Followed by Mrs. Pumphrey's willings. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's willing. तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि मैं सोचा था ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि बिना लेट किए उसे ले आना है, चाहे मिसेस पम्फ्रे का कुछ परमिशन मिले या ना मिले। Followed by Mrs. Pumphrey's willings. I marched out to the car carrying a little dog wrapped in a blanket. मैं उस छोटा सा बच्चा को, छोटा सा डॉग को, डॉगी को एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में उसे मोड़ कर लाइक अ बेबी अपने कार के जो पीछे साइड वाला सीट है उसमें उसे रख दिया, बैठा दिया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयस एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो ये क्या हुआ, the entire staff was roused, मतलब उसे जबकि ले जाया जा रहा था तो जो मिसेस पम्फ्रे थे उनके घर में बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे सर्वेंट थे, मेड थे, तो वो लोग सब ट्रिकी का एक एक सामान लेके बाहर आ रहे थे
कोई उसका फेवरेट कुशंस लेके आ रहा था, नाइट बेड, डे बेड, उसका जो टॉयज था, खिलौना था, सब ला रहे थे, लेकिन इनका गाड़ी में उतना सामान नहीं था। और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, ब्रेकफास्ट मतलब जो सुबह नाश्ता मिलता है, नाश्ता के लिए खाना, लंच के लिए सपर, मतलब डिनर के लिए भी डिनर बाउल भी उसे दिया जा रहा था, मतलब पूरा पैकेज दिया जा रहा था ताकि ट्रिकी को कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको ये सब सामान ले जाने के लिए उनके पास उतना बड़ा गाड़ी नहीं था, तो कुछ सामान छोड़ दिए और बस उसका कुछ कोट को, वहाँ पे एक सर्वेंट था, वो कोट का जो बंडल उसको वहाँ पे खिड़की के तरफ से फेंक दिया गया कार में। तो वहाँ पे देखा गया जितने भी स्टाफ थे सब रोने वाले थे, रो रहे थे, मिसेस पम्फ्रे भी रो रही थी। तो ये बिना लेट किए, बिना डिले किए गाड़ी को स्टार्ट किए, जैसे स्टार्ट करके मूव कर रहे थे, टर्न कर रहे थे, वैसे ही साइड का जो मिरर है, मिरर से पीछे देख रहे थे, सब रो रहे थे, जितना स्टाफ थे, सर्वेंट थे, जितना मेड थे, और मिसेस पम्फ्रे, दे आर ऑल्सो क्राइंग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की स्टोरी। और आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।